पुष्कर कॉलेज में एबीवी के दीपक गोयल नर विरोध निर्वाचित समर्थकों ने माला पहनाकर दी बधाई। प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और सभी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा नामांकन भर दिए गए। आज नामांकन उठाने के अंतिम दिन पुष्कर कॉलेज से उपाध्यक्ष पद के लिए आए तीन उम्मीदवारों में से दो निर्दलीय उम्मीदवारों ने एबीवी के प्रत्याशी दीपक गोयल के समर्थन में अपने अपने आवेदन उठा लिए। निर्दलीय प्रत्याशी कालूराम मेघवंशी और सीताराम ने समर्थन प्रदान किया। निर्दलीय के पर्चा उठाने से दीपक गोयल पुष्कर कॉलेज के उपाध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किए गए। निर्विरोध निर्वाचित होने पर एबीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा दीपक को माला पहनाकर स्वागत किया गया। उपाध्यक्ष तो जीत हासिल की, क्या कहेंगे इस बारे? सभी छात्रों ने विश्वास जगाया कि एबीपी पूर्ण बहुमत से जीतने वाली है और 100% जीतेगी। और हमारे जो समर्थक थे वो उन्होंने जबरदस्ती फॉर्म बढ़ा दिया उनके सामने, तो उन्होंने दोनों ने आज अपना फॉर्म वापस ले लिया और उन्होंने आगे भी संभव कर दिया कि हम एक ही साथ है और एबीपी के साथ है और एबीपी को समर्थन दे दिया। और उन्होंने पूर्ण रूप से सीताराम रावत और कालू मेघवंशी ने उनको समर्थन दे दिया मुकेश सिंह रावत के नेतृत्व में, और मुकेश सिंह रावत को जिताने का संकल्प लिया था और इन्होंने उपाध्यक्ष जीत गया। और उपाध्यक्ष पूर्ण विश्वास के साथ लग रखा है कि हमारा एबीपी जीतेगी और चारों पैनल आएगा और हमारे को विश्वास है कि हमारे सभी छात्र हमारा सपोर्ट करेंगे और हम सदैव छात्र हितों के साथ रहेंगे और छात्र हित के लिए कार्य करते रहेंगे और हमारा पैनल एबीपी का सदैव छात्र हित के लिए कार्य करता रहेगा। क्या कहेंगे इस पर? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं सभी भाइयों का सहयोग के साथ मैंने ये जीत हासिल की और सभी भाई लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा और कालूराम और सीताराम जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया है और अपने सभी भाई लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ ही एबीपी भारी मतों से जिताएंगे बिल्कुल। और हम मुकेश जी के समर्थन में बिल्कुल एबीपी का पैनल पूरा जीतेगा और हमारा धन्यवाद देना चाहूंगा ओम सिंह रावत जी का जिन्होंने हमारा पूर्ण रूप से सहयोग किया और मैं आज मुकेश सिंह रावत को पूर्ण रूप से समर्थन देता हूँ।